सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इंडियन टेक बॉयज। तो आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक फ़ोन की जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन है और ये आसूस की तरफ से आता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे आप कौन सा फ़ोन की बात कर रहे हैं। तो हाँ गाइज, ये है ROG फ़ोन 3। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से मंगवाया है मैंने और इसको अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। तो ये इसकी अब धीरे धीरे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये देखिए गाइज, ये आ चुका है हमारा ROG फ़ोन 3। ये है इसका बॉक्स जिसपे एक ROG का लोगो है। ये है साइड से, ये देखिए गाइज, बॉक्स भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी बिल्ड है। और ये देखिए गाइज, इस पर ये है एक लोगो। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, फीचर है, मैं एक तरीके से आगे आगे बताता जाऊँगा कि किस लिए यूज़ है। और ये है इसकी बैक साइड, तो आप देख सकते हैं ये मैंने 8/128 वाला वर्ज़न मंगाया है। और वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और साथ ही बॉक्स में क्या आता है, बॉक्स कितना बढ़िया फ़ोन है ये, और सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो चलिए हम इसकी पॉलीथीन कट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोन। तो ये देखिए गाइस, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं धीरे धीरे। तो अभी हमने पहले पॉलीथीन रिमूव कर ली है, चलिए अब इसको। तो ये देखिए गाइस, इस पर ROG का लोगो है और ROG फ़ोन 3 आगे की तरफ लिखा हुआ है। और इसका जो लोगो है वो भी पूरा कलरफुल है, मतलब इसको आप टिल्ट करते हैं तो ये कलर अपना कलर चेंज करता है। ये गाइस मैट ब्लैक में आता है। तो चलिए अब हम खोलते हैं इस डब्बे को और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है हमें। देखिए गाइस, इसमें आपको मिल जाता है सबसे पहले इसका इस पर एकदम कवर जिस पर लिखा है फॉर दोज हु डेयर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें और क्या मिलता है हमें इसके अंदर, इसको रिमूव करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा फ़ोन बैक साइड। तो चलिए अब इसे रिमूव कर लेते हैं, इसकी पॉलीथीन रिमूव करेंगे, देखते हैं कैसा फ़ोन है। तो ये देखिए गाइस, ये है इनबॉक्स कंटेंट। पहले आपको एक मिलता है फ़ोन, इसके लिए ऑब्वियसली आपने पैसे दिए ही हैं। और दूसरा फिर हम देखते हैं इसमें क्या है, बॉक्स में दिखाता है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। और ये इसमें आपको मिलता है एक C-Type to C-Type केबल और एक चार्जर 30 वॉट का। और ये है इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है USB C-Type to 3.5 जैक, ताकि आप हेडफोन या कोई भी लीड कनेक्ट कर सकें, क्योंकि इसमें फ़ोन में 3.5 mm जैक नहीं है, इसलिए इसमें ये अडैप्टर दिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस, ये है इसका कवर, जैसे कि आप सबसे ऊपर कवर रखा था इसका। ये देखिए गाइस, इसमें आपको मिलता है एक कवर जो कि ROG का कवर है, और ये भी बहुत सोच समझ के बनाया गया है क्योंकि इसमें पूरी ब्रांडिंग का लोगो मिलता है। और ये बीच में आपको एक स्पेस मिलता है जो कि इसके RGB लोगों के लिए है। और ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं दो स्पीकर के लिए, दोनों तरफ स्पीकर हैं आप ऊपर और नीचे। और ये देखिए गाइस, ये है इसके ग्राफिक्स थोड़े से जो कि इसके साथ ही आते हैं। और ये है इसका मैनुअल कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये रिपब्लिक ऑफ गेमर ASUS का लोगो, और इसमें आपको बता दिया जाएगा पूरा फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड और अब देखते हैं हम अपने फ़ोन को। ये देखिए गाइस, तो ये हमारा फ़ोन। और ये देखिए गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में चाहिए जैसे कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 8 GB 128 GB रोम, 6.59 inches फुल HD डिस्प्ले, 144Hz AMOLED डिस्प्ले, 64+13+5 MP का रेयर कैमरा विद फ्लैश, 24 MP फ्रंट कैमरा, 6000mAh लिथियम पॉलीमर बैटरी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। और ये देखिए गाइस, इसका ये बैक है और ये है इसका फ्रंट। तो चलिए गाइस, अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। और ये जैसा कि देख सकते हैं आप, ये आ रहा है एंड्रॉयड रिपब्लिक ऑफ गेमर्स और स्नैपड्रैगन, नीचे स्नैपड्रैगन का लोगो। और ये देखिए गाइस, आ चुकी है वेलकम स्क्रीन।
यस गाइस, वो जो मैं आपको बता रहा था पहले लोगों का फीचर बताऊंगा, वो जो बॉक्स पर था तो उसका मेन फीचर ये है कि जब आप फ़ोन ऑन करते हैं तो आपको वो लोगो स्कैन करना पड़ेगा, तभी आप अपना फ़ोन आगे ऑन कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बॉक्स को स्कैन कर रहा हूँ ताकि मैं अपना फ़ोन आगे रन कर सकूँ। तो ये देखिएगा इसकी जो प्रेजेंटेशन है, ये इसमें से एक बाइक निकल के आती है और अब ये एक छोटा सा गेम है, मतलब आपको प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फ़ोन में आगे अपने फीचर्स रन कर सकते हैं और होम स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। और ये देखिएगा तो ऐसे गेम स्टार्ट होता है और आपको इसको लेफ्ट राइट कर ऑब्स्टिकल्स से बचाना है। धीरे धीरे प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये गेम कब ख़त्म होगी। तो ये देखिए गाइस, और अब ये देखिए ड्रोन्स निकल चुके हैं। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक फ़ोन की प्रेजेंटेशन के लिए और इसके अलावा और क्या होना चाहिए। और ये देखिए गाइस, ये पूरा ख़त्म होते हुए, और ये है बैक साइड में जो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखेगा, ये वो है। ये आ चुके हैं हम होम स्क्रीन पे। और गाइस अब मैं आपको इसके दो फीचर्स और बताऊंगा जो कि इसी फ़ोन में है और किसी फ़ोन में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए गाइस, आपका ये है एक्स मोड, जिसको आप गेमिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी सारी बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर देगा और आपकी पूरी परफॉर्मेंस गेम में होगी, आपकी बैटरी को भी पूरा बूस्ट परफॉर्मेंस पे देगा। और इसकी बैटरी 1000 mAh बैटरी, समझ सकते हो आप कितनी ज़्यादा है। ये देखिए गाइस, अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ बैक पे जो लोगो है, जिसमें कि RGB है, और इसकी आप उसको आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए आप पीछे ये लोगो जो है वो ग्लो करने लगा है, और आप सच में यकीन नहीं करेंगे पर ये जो लोगो है इसमें 16 मिलियन कलर जल सकते हैं। हाँ, बेसिकली हमारी आंखों से पता नहीं चलेगा पर, लेकिन ये 16 मिलियन कलर तक जला सकती है। WS 2812 भी LED लगी होती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है इसका, इसको आप नोटिफिकेशन लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये साउंड सिंक्रोनाइजेशन पे भी चलती है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताते जाऊँगा धीरे धीरे कर। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए पूरे रिव्यू के लिए कि ये फ़ोन फिज़िकली और परफॉर्मेंस वाइज कैसा है। तो फिज़िकली तो आप इस पर कोई शक कर ही नहीं सकते, तो फिज़िकली और परफॉर्मेंस वाइज ये पूरा ही एकदम बेस्ट फ़ोन है। और ये देखिएगा जब मैं आपको एक और नई चीज़ फीचर दिखाता हूँ इसका, ये है इसके एयर ट्रिगर्स। बेसिकली आवाज़ जब आप बैटल रॉयल गेम खेलते हैं तो आपको पता ही होगा फ़ोन के ऊपर की तरफ हमें बटन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसमें देखिए बटन्स दिए हैं जिनको एयर ट्रिगर का नाम दिया गया है। और ये देखिए आप इसको टैप कर सकते हैं, और आप टैप का भी प्रेशर सेट कर सकते हैं कि हमको इतने प्रेशर से टैप करें तो ये काम करना चाहिए, बिल्कुल हल्के पे या बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर मार लगाने पर। तो ये सब इसमें फ़ीचर्स दिए गए हैं, ये दोनों तरफ है आपको, और इसको डुअल बटन में भी कर सकते हैं, बोथ साइड टैप कर सकते हैं, एक बटन दो बटन में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए गाइस, आपको कैमरे की वजह से थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए आप लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे देख सकते हैं उसके जो एयर ट्रिगर्स हैं। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर इसके फ़ोन के एयर ट्रिगर्स दिए गए हैं, टैप कर करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया चीज़ दी गई है। इसको आप स्वाइप के में भी चेंज कर सकते हैं स्वाइप सेटिंग्स, तो आप इस पर अगर आप अपने हाथ को स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइड होंगे लेफ्ट राइट, तो मतलब ये आपको कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, एमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। और आप इनको दोनों तरफ को सेट कर सकते हैं, इनकी सेंसिटिविटी भी कर सकते हैं। और ये देखिए आप इसको स्लाइड सेटिंग्स ये रही इसकी, अब आपको इसके ऊपर अपनी फिंगर ग्लाइड करनी पड़ेगी तब आपके बटन्स काम करेंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है। हमारा रिव्यू ख़त्म होते हुए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नई नई अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।